अरे सोनिया बहन, तुम किसको वोट दे के आ गई? अरे भाई, तुम्हें समझाया था, जो वही किया है ना तुमने। 2024 में मोदी जी को लाना है दोबारा से, समझ गई तुम? बस ध्यान रखना तुम्हारा, नहीं तो अगर वोट नहीं दिया तुमने मोदी जी को ना, मैं पता करवाऊंगा सबसे, कैमरा चेक कराऊंगा तुमने कहाँ वोट दिया है कहाँ नहीं। अगर नहीं दिया ना, तुम्हारा घर भी छीन लेंगे और तुम्हारा विधवा पेंशन भी बंद कर देंगे, समझ गई? अच्छे से काम करो, ठीक है? कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर मोदी जी को अगर दोबारा आ गए 2024 में ना, तो तुम्हें भी नेता बना दूंगा मैं अमेठी से, समझ गई ना? बस अच्छे से काम करना, ईमानदारी से, धोखा मत देना हम लोगों को। अरे योगी भैया जाओ मोदी जी से बोल दो कि तुम्हारा सोनिया गांधी ने तुम्हें वोट दिया है और अपनी बेटी को भी दिया है, दामाद को भी बोला है। और राहुल लेकिन थोड़ा गुस्सा हो गया, वोट डालने नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, जानते हो ना उसमें थोड़ा दिमाग की कमी है। जब दिमाग बट रहा था तो थोड़ा लेट पहुँचा था मेरा बेटा, इसलिए थोड़ा दिमाग कम है उसके अंदर, फालतू की बातें करता है। कह रहा है मैं वोट नहीं दूंगा, मैं अपने आप को वोट दूंगा। बताओ, वो चुनाव में खड़ा है, मान लो मोदी जी को वोट नहीं देगा ना, खुद को वोट देगा ना। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, उसको चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं, जीतेंगे तो मोदी ही।